तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी का कमाल का एक सेटिंग है, बोल सकते हैं कमाल की एक टिप बताने वाला हूं, जिससे आप अपने होम स्क्रीन के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर बोल सकते हैं कि उसकी जो फॉर्मेटिंग है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो उसका डिज़ाइन है थोड़ा चेंज आउट कर सकते हैं। क्या ये है, कैसे यूज़ करेंगे, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ होम स्क्रीन को, या बोल सकते हैं होम स्क्रीन के अंदर जो फोल्डर्स होते हैं या फिर जहाँ भी फोल्डर्स होते हैं उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखे। जैसे कि अगर आप नॉर्मली किसी फोल्डर को खोलेंगे तो पूरी स्क्रीन पर आता है और जो उसके साइड में ऐप्स होती हैं सब हट जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं खोलूँगा फोल्डर, वो पूरी स्क्रीन पर ही खोलता है और बाकी सब हट जाता है। तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप उसको और अच्छे से इसको कस्टमाइज और अच्छे से इसका ओपन करते टाइम आपको लेआउट मिले। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल में गुडलक वाली ऐप में। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आपको उसमें एक मॉड्यूल मिलता है जिसका नाम है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन करके आपको एक मॉड्यूल मिलेगा मेकअप के अंदर। आपको वहां चले जाना है होम अप में, सॉरी होम अप का एक मॉड्यूल मिलता है, आपको होम अप वाले मॉड्यूल में चले जाना है। होम अप मॉड्यूल में जाने के बाद आपको जाना है यहां पर फोल्डर सेक्शन में। आप देख रहे होंगे ये फोल्डर सेक्शन आपको मिल जाएगा, और इस फोल्डर सेक्शन में जाने के बाद सबसे ऊपर मिलेगा पॉपअप फोल्डर, आपको इसको ऑन कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, इसके अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स मिलेंगे, लाइक वाइट और ब्लैक, आपको जैसा चाहिए फ़ॉन्ट का कलर वो यहाँ पर चूज़ कर लो, वाइट या ब्लैक वो चूज़ कर लेना है। उसका बैकग्राउंड कलर कैसा रहा है वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड और भी यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, आप जो सा भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। उसका बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी कैसी रहे, कि ट्रांसपेरेंट कितना रहे, बैकग्राउंड कॉर्नर कैसे रहे, आप ये यहाँ पर सबको आउट सेट आउट कर सकते हैं। अब इसको सेट आउट कर दिया, और अब मैं किसी फोल्डर को खोलूँगा तो आप देख रहे हैं फोल्डर पॉपअप में खुल रहा है। पहले कैसा खुल रहा था, आप कहीं भी हो, अब वो उतनी सी स्क्रीन में ही खुल रहा है, और उसका पूरा पीछे का लेआउट भी आप देख सकते हैं, पूरा लेआउट भी यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही। तो पहले कैसे पूरी फुल स्क्रीन पे आ रहा था, अब आप इसको कोई से भी इसको फोल्डर को खोलेंगे तो वो फोल्डर आपको इस तरीके से ही मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये फोल्डर आपको इस तरीके से मिलेगा, जो कि अच्छा है। अगर आप फोल्डर्स बहुत सारे बना के रखते हैं तो उसके हिसाब से ये वाला जो फीचर है बहुत ही अच्छा है। इसमें और चीज़ भी यहाँ पर दी गई है, अगर आप ये इसको बंद कर देंगे पॉपअप को, नीचे आप फोल्डर टाइटल सजेशन भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपने इसको ऑन कर लिया किसी फोल्डर का, पर आपने अगर मैंने इसका नाम नहीं दिया, अगर मैं यहाँ पर खोलूँगा तो आपको यहाँ पर उसका सजेशन भी दे देगा। अगर आप नहीं चाहते सजेशन तो आप वहाँ से उसको बंद भी कर सकते हैं, बट सजेशन जब आप लेंगे तो आपको पहले उसको ऊपर वाले को बंद करना पड़ेगा, तो ये चलेगा। ठीक है, फोल्डर ग्रिड, आप उसका यहाँ पर आइकन के ग्रिड को भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कितने आए, कितनी लाइन में कितने आए। अगर आपके ज़्यादा एक फोल्डर में ज़्यादा डालते हैं तो आप उसकी ग्रिड भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा कस्टमाइजेशन पॉपअप वाला है, जो कि सबसे बेस्ट लगा मुझे। आपको यहाँ पर उसको ऐसा कर देना है, और जब भी आप खोलोगे, जो कि बहुत शानदार है और यूनिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा फीचर है, लोगों को पता भी हो, लोग बोले क्या बता रहा है भाई, बट यार कुछ कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू अपडेट्स के लिए, अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हो। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।